बाहर हम जिसको मित्र बनाना चाहते हैं कि कम से कम वही हमें सपोर्ट कर दे, वो हमें और गिराने की बात कर रहा है। क्या करें, बिल्कुल असहाय असमर्थ ऐसी स्थिति आती, पक्का आती। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज गुरुजी हमें बताएंगे कि यदि हम बहुत निराश हो चुके हैं, जिंदगी में सब कुछ हार चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए सुनते हैं स्वयं गुरुजी से। कभी कभी बड़ी विपरीत परिस्थितियां उपासक के जीवन में आ जाती हैं, सबके जीवन में आती हैं। खुद अनुभव होता है, भजन में मन नहीं लग रहा, विकार अपने आप हमें आकर्षित कर रहे, न मन साथ दे रहा है न तन साथ दे रहा है। हजारों बार जीवन में आती, ये हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं, हजारों बार एकदम अंधेरा, कोई पकड़ नहीं आ रही, अंदर से अंधकार छाया हुआ है, बाहर से कोई समझाने वाला नहीं, विकार का भयंकर उन्माद। तब अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कोई सूत्र नहीं, कोई भजन में रुचि नहीं, एकदम ऐसा, ऐसी परिस्थितियां या बाहर से एकदम प्रतिकूलता। देखो, बाहर की प्रतिकूलता झेलने की सामर्थ्य भगवत चिंतन में है। अंदर से चिंतन सरस चल रहा है तो बाहर से हम प्रतिकूलता सह जाएंगे। पर ऐसी स्थिति जब अंदर अंधकार छा गया, अंदर अंधकार मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम भजन करते हैं, कोई नाम में रुचि नहीं, कोई शास्त्र में रुचि, वो कुछ क्षण के लिए ऐसी बात आई, शास्त्र में रुचि कोई, मतलब एक पता नहीं कैसी अंधकार में स्थिति और बाहर सब प्रतिकूलता, विषय आकर्षण। अब उस समय केवल आश्रय काम करता है, केवल आश्रय। हो सकता है पुकार भी ना हो तो केवल आश्रय, जो आप अंदर से आश्रय लिए हो वो मूर्छा में भी रहता है, मूर्छित अवस्था में भी रहता है, मृत्यु समय भी वो रहता है। इसीलिए आश्रित का निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, निश्चित कल्याण होता है, आश्रित का कभी पतन नहीं होता। इसीलिए बार बार सत्संग में रोज कहते हैं कि गोरे चरण अरविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय। जैसे हमारी मृत्यु का समय है, मन बुद्धि चित्त सब मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, कौन भजन कर रहा है, आश्रय उपस्थित है। जीवन भर जिनका आश्रय लिया, उस समय वो भजन के कारण नहीं, आश्रय के कारण हृदय में उपस्थित हो जाते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति। आश्रय बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ी बात है। भजन और ये सब पीछे पहला आश्रय, बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधर है आज, हो ही राम को पहले बात आश्रय और फिर आगे की सब बात, पहला आश्रय। उस समय आश्रय काम करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही गुरु जी के और सुंदर प्रवचनों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।